जिनका नाम आप ले रहे हैं, अगर उनके धर्म से इतना नफरत है, हिंदू धर्म से इतना नफरत है, तो चंदन टीका वो खुद के लगाते हैं। वो खुद परमानेंट टोपी पहन करके क्यों नहीं घूमते हैं? वो सिद्ध करे हिंदुओं में कि मैं हिंदू की बात नहीं मानता हूँ, हिंदू नहीं हूँ। तो एक तरफ चंदन टीका लगाते हैं, ये कब तक चलते रहेगा? मैं उधर जाना नहीं चाहता हूँ। ये देश धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी ये सबका है। लेकिन एक धर्म को आप टारगेट करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ये स्वयं तेजस्वी यादव जी ये बताएं कि मैं हिंदू नहीं हूँ। बिहार में हटवाएंगे आप लोग, मुझे लगता है कि ये देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में कानून संगत अगर काम हो रहा है तो उसका असर तो बिहार में जरूर देखने को मिलेगा। बिहार में हटवाएंगे लॉर्ड, बिल्कुल न्याय संगत है, कानून जब आएगा तो बिल्कुल हटेगा। लेकिन आपके सहयोगी मानने को तैयार नहीं, उनका कहना है कि किसी भी कीमत पर बिहार से नहीं लॉर्ड स्पीकर हटाया जाए। ने तो कहा ना कि हम सबके नेता हैं ना, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने जब बातें आती है तो उस पर पहल किया जाता है, उस पर हमारे सिर्फ नेतृत्व बैठते हैं, बैठने के बाद उस पर रास्ता निकलती है। आप लोग हटाएंगे बिहार से? धार्मिक मामले में सरकार को हस्तक्षेप करना उचित नहीं है? धर्म बड़ा है कि देश का कानून बड़ा है? देश का कानून जो कहता है वो कानून से देश और प्रदेश चलता है, और कानून में अगर न्यायप्रिय शासन देना है, कानून के तहत बिहार के त्रिपुर जनता को सम्मान शिक्षा सुरक्षा देना है, तो जो कानून कहता है उस पर हम सबको अमल करना चाहिए। साउंड पॉल्यूशन के लिए तो पहले से ही कानून बना हुआ है, उसके बावजूद भी माइक बजता है, साउंड पॉल्यूशन कंट्रोल बजता है, तो कानून तो पहले से लागू है, तो कहां उसका पालन? बहुत ऐसे कानून था पहले से, संविधान में कानून था 35 से, लेकिन मोदी जी आए तब हटा। बहुत ऐसे, हम चर्चा उधर करना नहीं चाहते हैं, बहुत ऐसे कानून देश में संविधान। मैं जिस विभाग का मंत्री हूँ, 1950 में माइनिंग के क्षेत्र में जटिल प्रक्रिया से बिहार प्रदेश गुजर रहा था, लेकिन किसी की चिंता नहीं थी। 14 से 19 मुझे सांसद बनकर के दिल्ली जाने का अवसर मिला, देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माइनिंग के क्षेत्र में बिहार खास करके अमेंडमेंट किया गया। आपने देखा होगा बिहार प्रदेश में डीजल की संभावना है, पेट्रोल की संभावना है, जमुई में सोनो प्रखंड में सोना की संभावना है, देश का सर्वाधिक सोना जमुई सोनो प्रखंड में। स्पीकर कानून को बिहार में सख्ती से लागू करेंगे? तो मैं जो विषय को आपने एक एक विषय को आपने कहा, तो ये बिहार प्रदेश में देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेंडमेंट करा करके पार्लियामेंट के पटल पे, और तब जाकर के माइनिंग के क्षेत्र में बहुत बड़ा सुधार हुआ। GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बिहार में काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि बहुत ऐसे जटिल प्रक्रिया से देश का संविधान गुजर रहा था, जिसको समय समय से संशोधन करा करके और देश के और जनता के हित में काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। उसी कड़ी में ये भी है, अगर पोल्यूशन साउंड से हो रहा है तो उस पर चर्चा होगी, सदन है उसके लिए, वो सड़क नहीं है, सदन के अंदर चर्चा होगी, आम सहमति बनेगी और फिर नियम संगत काम होगा। मंत्री जी तेजस्वी यादव ने कहा